नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रीमेटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एवा मारिया विद यूआरएल शॉर्टनर बॉट को कोएब के ऊपर कैसे होस्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको कोएब के ऊपर फाइल स्ट्रीम बॉट को होस्ट करके बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एवा मारिया विद यूआरएल शॉर्टनर को होस्ट करके बताऊँगा। तो इस पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी कोएब के ऊपर अपना एक फाइल स्टोर वो सॉरी एवा मारिया विद यूआरएल शॉर्टनर बॉट होस्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब मैं आपको ये यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कोएब के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा बॉट है उसका नाम ये है एवा मारिया यूआरएल, और इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो भी हेल्दी है, और 8 आवर से मेरा जो ये बॉट रन हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे टाइम भी दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं अभी हो रहे यहाँ पे 8:09 AM हो रहे हैं, और मैंने इस बॉट को रात में किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12:17 AM पे मैंने इसे स्टार्ट किया था बॉट को रात को, और ये अभी तक कंटिन्यूअसली रन हो रहा है बिना किसी एरर के। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट इज़ हेल्दी। अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा और आपको यहाँ पे डिलीट सर्विस कर मैं इसे डिलीट कर दूँगा, और आपको इस वीडियो के अंदर दोबारा से इस बॉट को होस्ट करके बताऊँगा कोएब के ऊपर। और अब जब मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो जो मेरा बॉट है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट कमांड दी तो मेरा बॉट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रेपो का लिंक मिलेगा। आपको इस रेपो को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है। मैंने इसे दूसरे ब्राउजर के अंदर ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप गिटहब पे कैसे अकाउंट क्रिएट करें, तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं यूट्यूब पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन गिटहब, और आपको यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप इन्हें किसी को भी देख के गिटहब पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गिटहब पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद आपको इसे डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन करना है रेपो को, ओपन हो जाने के बाद। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फोक के ऊपर। फोक पे क्लिक हो जाने के बाद एक मेन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉपी, आपको इसे अनटिक कर देना, अनचेक कर देना, और आपको यहाँ पे क्रिएट फोक के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी सारी ब्रांचेस को कॉपी करूँगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे डेस्कटॉप साइट से रिमूव कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी पे मूव होना है। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कोएब पर हूँ, मैं यहाँ पे अपने कोएब पे लॉगिन हो चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कोएब के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करें, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कोएब पे कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्रिएट सर्विस के ऊपर क्लिक करूँगा कोएब के अंदर लॉगिन होने के बाद। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को ये अनऑथराइज करना होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे दो डिप्लॉयमेंट के मेथड। आपको मिलेगा एक तो गिटहब के थ्रू और दूसरा डॉकर के थ्रू। मैं डॉकर के थ्रू वाला भी आपको मेथड जल्दी अपनी वीडियो में समझाऊंगा, अभी के लिए हम गिटहब से चूज करेंगे। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी सेलेक्ट करनी है, तो मैं जो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा वो है मेरी जो रिपोजिटरी है वो ये वाली रिपोजिटरी है ग्रे मैटर्स बॉट यूआरएल ऑटो डिलीट। आपको इसे सेलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पे ब्रांच स्विच करनी होगी। आपको जो यहाँ पे मेन ख्याल रखना है कि आपको ब्रांच कोएब सेलेक्ट करनी है, और अभी जो यहाँ पे रीजन अवेलेबल है वो सिर्फ फ्रांस है। और फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वाला चाहिए। तो आपको यहाँ पे दो मिल जाएंगे फ्री में, एक तो नैनो जिसमें आपको 2.56 MB मिलती है रैम में, और आपको यहाँ पे 250 GB का डिस्क स्पेस मिलता है। तो मैं यहाँ पे इसे माइक्रो ही रहने दूंगा, और यहाँ पे आपको और भी प्लान्स मिल सकते हैं जो पेड प्लान्स हैं, आप इन्हें भी बाय कर सकते हैं अपने बॉट्स के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे पोर्ट्स हैं, आपको इनको पोर्ट्स में अंदर अपने वेरिएबल्स को एक एक करके ऐड करना है। तो किस तरह से ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी के अंदर जाऊँगा और वीडियो को व्यू कोड्स करूँगा, और आपको जाना है यहाँ पे सबसे पहले info.py पे। इस फाइल को आपको ओपन करना है एवा मारिया के अंदर। आपको कोई भी ऐसी फाइल ओपन करनी है जिसके अंदर आपके सारे वेरिएबल्स दिए हो, तो जो सबसे पहला हमारा वेरिएबल है वो है API ID एंड API हैश। मैं इस API ID को कॉपी करूँगा और
ऐड वेरिएबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसे डाल दूंगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी टेलीग्राम की API ID एंटर करनी होगी। और अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप अपने टेलीग्राम की API ID एंड API हैश कैसे पता करें, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू गेट टेलीग्राम API ID एंड हैश, और आपको यहाँ पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आपको बताया हुआ है। ये हमारी वीडियो हमारे चैनल की हाउ टू गेट टेलीग्राम API एंड API हैश, आप इसको भी देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी वीडियो का टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी API ID और जितनी भी डिटेल्स हैं जो हमें ज़रूरत है वो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो मैं बस उन्हीं को यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ये मेरी टेलीग्राम की API ID, मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे वैल्यू के अंदर इसे पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद अगला वेरिएबल यहाँ पे ऐड करूँगा। जो हमारा अगला वेरिएबल है वो है API हैश, आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पे API हैश ले लेता हूँ और वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। अगला वेरिएबल मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो कि है बॉट टोकन, जो कि आपको बॉट फादर से मिलता है ये, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने बॉट टोकन कैसे पता करें या बॉट टोकन कैसे क्रिएट करें, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं एक बार YouTube पे सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया हाउ टू गेट बॉट टोकन, और आपको यहाँ पे कई सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको टेलीग्राम को बॉट टोकन डालना है, ये GitHub उसका दे रहा है, डिस्कॉर्ड का हाउ टू गेट बॉट टोकन टेलीग्राम, और आपको यहाँ पे कई सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप इन्हें देख सकते हैं और अपना बॉट टोकन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं अपने यहाँ पे अगला वेरिएबल ऐड कर लेता हूँ। वैसे तो जो जो ये वीडियोज़ हैं वो सारी मैंने खुद के अपने चैनल पे भी बनाई हुई हैं, आप हमारे चैनल को भी देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली है वो है एडमिन्स। एडमिन्स के अंदर आपको अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी एंटर करनी होगी, जो कि आपके बॉट के ऑथराइज्ड मतलब यूज़र्स होंगे जो एज अ एडमिन काम करेंगे बॉट के अंदर, जो एडमिन कमांड्स को यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी एंटर कर दी है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप टेलीग्राम की यूज़र आईडी कैसे सर्च करें, तो यहाँ पे बस यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू गेट योर टेलीग्राम यूज़र आईडी, और आपको यहाँ पे ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्हें आप देख के अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी पता कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर उसके बाद आपको अगला डालना है, यहाँ पे आप ऑथराइज्ड यूज़र डालें। ऑथराइज्ड यूज़र वो होंगे जो आपके बॉट के अंदर इनलाइन मोड वगैरह यूज़ कर पाएंगे, अगर आप इनलाइन मोड को पब्लिक नहीं रखते तो। और यहाँ पे भी आपको बस अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी ही एंटर करनी है ऑथराइज्ड यूज़र्स के अंदर। आप यहाँ पे मल्टीपल आईडीज़ भी एंटर कर सकते हैं स्पेस देकर। और इसके बाद जो हमारे अगली आती है वो है डाटाबेस URL। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपना आपको MongoDB URL क्रिएट करना होगा यहाँ पे डाटाबेस URL के अंदर। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है हाउ टू क्रिएट MongoDB URL, और आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको हमारे चैनल की वीडियो ढूंढ के दिखा देता हूँ, इसमें नीचे कहीं होगी। आप इनमें से कोई भी वीडियो देख के अपने MongoDB पे अकाउंट क्रिएट कर ले और एक URL क्रिएट कर ले। देखो ये हमारी वीडियो है हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन MongoDB एंड हाउ टू गेट योर MongoDB URL, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी MongoDB URL यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो मैं बस उसकी वैल्यू इसके अंदर डाल दूंगा वैल्यू में, और अगेन दूसरा वेरिएबल ऐड करूंगा। हमारा जो दूसरा वेरिएबल है वो है डाटाबेस नेम। आप डाटाबेस के नेम में कुछ भी दे सकते हो और आपको ये डाटाबेस नेम याद रखना है, इनकेस आपको बॉट अगर डिलीट विलीट हो जाता है तो आप इसी को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेलीग्राम और दूसरा वेरिएबल ऐड कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कलेक्शन नेम में आप जो डालेंगे वो भी आपको याद रखना है कि अगर आपका बॉट डिलीट हो जाता है एक प्लेटफॉर्म से तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसे डाल सके। तो मैं यहाँ पे इसमें भी डाल देता हूँ टेलीग्राम, और फिर अपना अगला वेरिएबल ऐड करूँगा। फिर आपको नीचे करना है, फिर आपको यहाँ पे लॉग्स चैनल की आईडी डालनी होगी। आपको क्या करना है, एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना है, एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना है कुछ इस तरह से मेरी तरह, ठीक है। और उसकी जो आईडी है आपको इसके अंदर डालनी होगी। आईडी आपको कैसे डालनी है, आपको सबसे पहले इसमें लिखना होगा -100 और उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल की यूज़र आईडी सॉरी चैनल आईडी एंटर करनी होगी, और आपको अपने लॉग चैनल के अंदर अपने बॉट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ओके, अपना मैं अगला वेरिएबल ऐड करता हूँ।
हमारा अगला वेरिएबल है, आप यहाँ पे सपोर्ट चैट भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसके अंदर ऐड नहीं करता हूँ, चलो मैं इसे स्किप कर दूंगा, चलो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है एवा मारिया में यूआरएल शॉर्टनर यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट यूज़ करनी होगी, तो आपको ये वाला वेरिएबल यहाँ पे कॉपी करना है, और आपकी जो वेबसाइट है आपको उसका डोमेन यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे clicksfly.com का यूज़ कर रहा हूँ। clicksfly.com एक बहुत ही शानदार वेबसाइट है यूआरएल शॉर्टनर्स के लिए, और आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है और बताया हुआ है कि आप clicksfly.com के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन लिंक्स को शॉर्ट करके। अगला वेरिएबल मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो कि है शॉर्टनर API। यहाँ पे आपको clicksfly.com की अपनी API एंटर करनी होगी। कैसे मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे clicksfly के डैशबोर्ड पे आना है, इसके अंदर साइन अप करके, और आपको फिर टूल्स पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे डेवलपर API मिल जाएगी। आपको यहाँ पे आना है और ये API आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और ये API की वैल्यू आपको इसके अंदर एंटर कर देनी है वैल्यू में, ओके। और बस यहाँ पे हमारा काम हो गया। इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ पे 8000 लिखा हुआ है, आप इसे यही रहने दें, मैं इसे 8080 कर देता हूँ एक बार, ओके। अब आप यहाँ पे कोई और पोर्ट भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है। अब जो आपका बॉट होगा वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा कोएप के ऊपर। आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे आपके बिल्ड लॉग्स आएंगे बॉट के। अब यहाँ पे कोएप के ऊपर आपके बॉट को डिप्लॉय होने में 5 मिनट लग सकते हैं। मैं तब तक इसकी सेटिंग्स में जाकर और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है नो ब्रांच फाउंड, तो मैंने यहाँ पे GitHub रिपोजिटरी सेलेक्ट कर ली है, और इसके अंदर अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर ली है कोएब, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करना है, और इसे ओवरराइड को यहाँ पे जो रन कमांड है ना इसे स्टार्ट करना है, और फिर आपको अपनी रिपोजिटरी में जाना है एक बार, और हर एक रिपोजिटरी के अंदर आपको एक स्टार्ट कमांड होती है जो कि प्रोक फाइल से डिफाइन होती है, आपको इस तरह से मिल जाएगी। हमारे इस बॉट के अंदर जो है वो प्रोक फाइल नहीं है, तो आपको क्या करना है start.sh वाली फाइल को देख लेना है, और आपको जो यहाँ पे start.sh में लास्ट कमांड दिख रही है python3bot.py, आपको इसे कॉपी करना है और रन कमांड के अंदर इसे पेस्ट कर देना है, और फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और अब आपको यहाँ पे इसे अपडेट सर्विसेज को ऊपर क्लिक कर देना है, और अब जो आपका बॉट होगा वो सक्सेसफुली ठीक से डिप्लॉय होगा। देखो हमारी यहाँ पे नई डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है जो कि पेंडिंग है, और पुरानी वाली स्टार्टिंग फेज में थी। मैं सेटिंग्स देख लेता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर जाऊँगा, मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको समझाया हुआ है एवा मारिया बॉट के बारे में। मैंने 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ एवा मारिया बॉट के ऊपर कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी पिछली वीडियो आई थी वो ये थी हाउ टू अर्न मनी विद यू आर एल शॉर्टनर बॉट। इसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि आप एवा मारिया विद यू आर एल शॉर्टनर बॉट को डिप्लॉय करके कैसे टेलीग्राम पर अर्निंग कर सकते हैं, और यही जो बॉट मैं आपको कोएब के ऊपर होस्ट करके दिखा रहा हूँ, मैंने इसे आपको VPS के ऊपर भी होस्ट करके दिखाया था अपने इस वीडियो में हाउ टू क्रिएट ऑटो फिल्टर बॉट विद URL शॉर्टनर। आपको ये सारी वीडियोस हमारे टेलीग्राम हमारे YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इसके अंदर इन वीडियोस के अंदर मैंने, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन वीडियोस की लेंथ 21-21, 23-23 मिनट है, तो इन वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और आपको हमारी एक पुरानी वीडियो मिल जाएगी ये वाली। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि आप एवा मारिया बॉट को कैसे हीरोकू के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन अब जो हीरोकू है वो पेड सर्विस हो चुकी है, तो उसके ऊपर हम अपने बॉट्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते। आप चाहे तो अपनी बॉट्स को वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, हमारी जो डिप्लॉयमेंट है मैं उसे एक बार देखूँगा। मैं सर्विसेज में गया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है। आपको यहाँ पर जाना है अपने रन टाइम लॉग्स में,
और रन टाइम लॉक्स में आपको यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे लास्ट में जब आपको यहाँ पे लिखा आ जाए ना पावर्ड बाय ग्रे मैटर्स बॉट, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो बॉट है वो ठीक से रन हो रहा है बिना किसी एरर के। मैं आपको अपने बॉट को एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले हमारा बॉट यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा था, अब मैं इसे स्टार्ट कमांड दूंगा तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मान लो आपके बॉट के अंदर कोई भी एरर या इशू आता है, आपको यहाँ लॉग्स के अंदर ना कोई भी इशू या एरर आता है, तो आपको क्या करना है, बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको हमारे ग्रुप ग्रे मैटर्स सपोर्ट ग्रुप पे जाना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे आपके बॉट को डिप्लॉय करने में, ठीक है। आप यहाँ पे उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और मेरे को कोई पीएम में मैसेज मत करना किसी भी तरह की हेल्प के लिए इस तरह की, मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं किसी की भी पर्सनल हेल्प नहीं कर सकता। मेरे टेलीग्राम चैनल पे 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ये हमारा चैनल है ग्रे मैटर्स बॉट, जिसके ऊपर जल्दी ही 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। अगर मैं हर एक बंदे को पर्सनली सपोर्ट करने लग गया तो मेरा ऐसे नहीं चलेगा, मेरा पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको सपोर्ट ग्रुप पर ही हेल्प लेनी होगी। और मेरे को अगर कोई पीएम में मैसेज करेगा हेल्प के लिए तो मैं उसे सीधे ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए, जहाँ पे मैं आपको समझाता रहता हूँ लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह। तो हमारा जो बॉट यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, अब मैं एक बार आपको सर्विस पे दिखा देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरी जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे अभी अनहेल्दी आई है। मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ ये क्यों अनहेल्दी आई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि जब मैंने इसे पहली बार डिप्लॉय करा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में पोर्ट होगा, आपको यहाँ पे 8000 लिखा हुआ है, आपको इसे 8080 कर देना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे इसे डिप्लॉय कर देना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी आपको देखना, आपको यहाँ पे भी 8080 कर देना है और ये वाला जो पोर्ट है आपको यहाँ पे भी 8080 कर देना है, ठीक है। आपको दोनों जगह 8080 कर देना है, या फिर आपको कोई और पोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बस सेम पोर्ट यूज़ करना है दोनों जगह। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे जाना है अपने info.py के अंदर, और मैंने जो इसके अंदर AVMRIA में डाला है वो 8080 पोर्ट ही डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आपको वही यूज़ करना है, आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है कि यहाँ पर इस पोर्ट में 8080 और नीचे यहाँ पे या आपके पब्लिक पोर्ट में दोनों जगह सेम वैल्यू होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे अपडेट सर्विस के ऊपर क्लिक करना है, और अब जो मेरी डिप्लॉयमेंट आएगी वो एकदम सक्सेसफुल और सही डिप्लॉयमेंट आएगी, जो कि हेल्दी डिप्लॉयमेंट होगी। हमारे यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्टिंग हो चुकी है, और अब जो ये डिप्लॉयमेंट आएगी वो हेल्दी आएगी। आपको बस यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी डिप्लॉयमेंट फाइनली सक्सेसफुली हेल्दी आ चुकी है, और आपका जो बॉट है अब आपका जो बॉट है वो बंद नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ का याद रखना है कि आपको अपनी रिपोजिटरी को यहाँ से डिलीट नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो कोएब है वो आपकी अपस्ट्रीम रेपो को यूज़ करता है एज अपस्ट्रीम रेपो, कि आप अगर अपनी रेपो के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे अपनी इस कोएब ब्रांच के अंदर, तो वो यहाँ पे आपके बॉट के अंदर भी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी रेपो के अंदर चेंजेस नहीं करने अगर आप नहीं चाहते तो, ठीक है। अगर आप चेंजेस अप्लाई करना चाहते तो बस आपको अपनी रेपो को एडिट करना होगा और वो चेंजेस यहाँ पे अपनी बॉट के अंदर डिप्लॉय हो जाएंगे। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी रेपो को कोएब के ऊपर डिप्लॉयबल बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने इस रेपो को बनाया। और इस वीडियो के लिए मैं एक बंदे को क्रेडिट देना चाहूँगा, जिसका नाम ये है, ये उसका यूज़र नेम है। इसी बंदे ने मेरे को हेल्प किया इस आइडिया को लेके, और उसी ने मेरे को ये समझाया, ठीक है। तो